36161 याचिका डाली हुई है बटे 2018, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में जो अन्याय हो रहा है, ना संविधान को मान रहे हैं, ना नियम को मान रहे हैं, ना एक्ट को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं, ना राजभाषा नियमों को मान रहे हैं। जिस तरह का अन्याय सर्वोच्च न्यायालय में हो रहा है और जजों द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने एक याचिका लगाई हुई है 24 तारीख से। यहाँ पर कभी कहते हैं इसका अंग्रेजी अनुवाद दो, कभी कहते हैं फ्लाइट इफेक्ट। हमने इसमें लिखा हुआ है कि राजभाषा जो नियम है, अनुच्छेद है 343 और 344 और 351, इन सबका कहीं भी हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा 24/11/98 के महामहिम राष्ट्रपति जी का आदेश है कि सर्वोच्च न्यायालय का पूरा काम हिंदी में होना चाहिए और जो प्रशासनिक काम है वो 100% हिंदी में होना चाहिए। इसके अलावा इनको हिंदी में दी हुई याचिकाएं स्वीकार करनी चाहिए और हिंदी में फैसले देने चाहिए, और जो फैसला अंग्रेजी में दिया जाता है उसका तुरंत हिंदी अनुवाद इनको जारी करना चाहिए। किंतु ये किसी कानून को नहीं मान रहे, किसी नियम को नहीं मान रहे, और हमें लगातार एक साल से परेशान करके रखा है। इसके अलावा इन्होंने सबरीमाला मंदिर वाले मामले में हमारी हिंदी में, जब हम पीपी चौधरी से मिले जाकर कानून राज्य मंत्री से, तो इन्होंने हिंदी में दी हुई याचिका स्वीकार कर ली और उस पर सुनवाई भी कर ली। उसके बाद हम जो याचिका लगा रहे हैं उसको खारिज कर देते हैं। अभी हमने जजों की नियुक्ति के बारे में और राजभाषा नियमों के बारे में ये याचिका लगाई है 361/18, ये 24 तारीख को लगाई है, फाइल भी हो चुकी है। किंतु उसके बावजूद भी हमें लगातार परेशान किया जा रहा है, और इस पर हमने इसमें ये लिखा है कि राजभाषा नियमों का एक तो पालन किया जाए, दूसरा जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में दीपक मिश्रा जी ने जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में जो कहा है कि रंजन गोगोई को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया गया? ना तो कोई संविधान में कहीं उल्लेख है इसका, ना कानून में कहीं उल्लेख है। उसके बावजूद भी तुम संविधान का अनुच्छेद 124(k) और 124(2) का उल्लंघन करके तुम ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में, मुख्य न्यायाधीश को तो परामर्श देने का भी अधिकार नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 124(2) है, उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों को बुलाएगा, उनसे परामर्श लेके सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, किंतु मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने का अधिकार नहीं है। अरे दीपक मिश्रा जी, तुमको तो सलाह देने का भी अधिकार नहीं है, तुम कहते हो कि मेरा उत्तराधिकारी रंजन गोगोई है। जब तुम संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, जब तुम संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हो कि मैं इस संविधान का पालन करूंगा, उस शपथ को तोड़ रहे हो, उसके बाद तुम लोगों को न्याय क्या दोगे? और यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय में अन्याय अन्याय है, और अन्याय के सिवा कुछ नहीं है, और ये सब अन्याय के अड्डे बने हुए हैं। हम 24 तारीख से भटक रहे हैं कि हमारी याचिका पर सुनवाई की जाए, किंतु ये अड़े हुए हैं कि सुनवाई इसके रंजन गोगोई की शपथ लेने के बाद ही सुनवाई करेंगे, जो गलत है। एक न्यायाधीश का अधिकार है वो न्याय दे, हमारी बात सुने। इंग्लैंड की जो संसद है उसके भी दरवाजे पर लिखा है, भले ही हम आपकी बात से सहमत ना हो, किंतु हम तुम्हारी बात सुनेंगे जरूर, किंतु ये तो बात से सुनने को तैयार नहीं है। हम तो कहते हैं न्यायाधीश भी तुम बनो, किंतु हमारी बात को सुनो जरूर। सुनने को तैयार नहीं है, अब आगे हम यहाँ पे वालिया जी से मिले हैं, आपके तुम्हारे जगत सिंह रावत है उनसे मिले हैं, किंतु यहाँ कोई सुनने को तैयार। इसके अलावा इन्होंने जितना भी मीडिया है सर्वोच्च न्यायालय में उसको भी खरीद रखा है, उनको 100 करोड़ की रिश्वत जो उनको मिलती है, उस रिश्वत से जो सर्वोच्च न्यायालय में मीडिया उसको पैसा देते हैं ये, और कोई भी मीडिया हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या सुनवाई नहीं हो रही, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं बिग बॉस का सुपर हीरो स्वामी ओम जी, हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट स्वामी ओम जी बोल रहा हूँ। मेरे साथ में धारासना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी हैं। अभी इस सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ अन्याय होता है। आपने अभी जैसे देखा है कि IPC की धारा 497 में इन्होंने जो वैश्याएं हैं उनको खुली छूट दे दी है कि भाई तुम पति होते हुए भी वैश्यावृत्ति कर सकती हो दूसरों से। उन औरतों को जिनको ये भी पता नहीं होगा कि उनके बच्चे किससे पैदा हुए हैं, वो बच्चे लेकर के अपने पतियों से जबरदस्ती पालन पोषण करवाएंगे। ये सरासर अन्याय जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इससे पूरा देश नष्ट, भ्रष्ट और बर्बाद हो जाएगा, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और उसमें मैं रिव्यू पिटीशन डालने वाला हूँ। उसके अलावा जो धारा 377 को इन्होंने अपराध रहित कर दिया है, इतना अपराध बढ़ गया है। एक तो हिंदुओं के बच्चे ही बहुत कम होते हैं, एक या दो होता है, और जो होता भी है वो भी अब बंद हो जाएगा। नारी के संपर्क से रिप्रोडक्शन होता था, अब वो जब उनकी जो नीड है वो नारी के बगैर पुरुष से पूरा हो जाएगा, तो वो क्यों नारी के पास में जाएंगे, और क्यों वो शादी करेंगे, और क्यों वो उनका खर्च वहन करेंगे? तो वो पुरुष और पुरुष आपस में होमोसेक्स करके
भारत की हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। हिंदुओं की जनसंख्या तो वैसे ही पहले बहुत कम है और इससे एड्स एचआईवी ये सारा इतना सारा बढ़ेगा, पहले ही करोड़ों लोग एचआईवी के शिकार हैं और अभी जो बचे हुए हैं वो भी शिकार होकर के काल के गाल में चले जाएंगे। ये सारा जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले दिए हैं उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। 377 पर मैं पेटिशनर था 377 को लागू रखने के लिए, लेकिन इन लोगों ने सुना नहीं क्योंकि ये लोग CIA एजेंट हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखिए, आज मेरी अपनी पर्सनल पेटिशन यहाँ पर लिस्ट हुआ पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मेरा डायरी नंबर 232831 है जो 2018 का है, 23 जनवरी 2018 को मैंने यहाँ फाइल किया था, आज इन्होंने लिस्ट किया। उसके बावजूद भी ये इतने डरते हैं मेरे से और मुकेश जैन से कि यहाँ आने के बावजूद भी मेरा पास नहीं बनाया। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मीडिया पार्क में मैं खड़े होकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो ऐसे डरपोक लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते किस लिए हैं, जिनको पेटिशनर से डर लगता है। मैं भारत सरकार से खासतौर पर मैं राष्ट्रपति जी से मैं अपील करता हूँ कि इनके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। कोविंद जी मेरे पुराने भक्त हैं और बहुत अच्छे एडवोकेट कानून वेत्ता हैं। ये ऐसे भ्रष्ट और करप्ट जजों को यहाँ से हटाएं, उसमें से दीपक मिश्रा जी तो जा ही रहे हैं, बाकी जो उनके साथ में करप्ट ऑफिसर्स थे वो लोग, उन लोगों का भी ट्रांसफर तो हमने करवा ही दिया है। लेकिन अब जो नए आ रहे हैं उसमें सिर्फ उन जजों को रखें जो जनता को न्याय दें, जनता के साथ में जस्टिस CJI जस्टिस खेर की तरह, CJI जस्टिस दीपक मिश्रा की तरह जनता के साथ में अन्याय न करें। आप ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का जान खतरे में पड़ा हुआ है, नक्सलवादियों ने उनको ब्लास्ट करके उड़ाने की साजिश रची हुई है, जिसके बारे में अभी उपाध्याय जी भी बात कर रहे थे, वो भी पेटिशनर थे, मैं भी पेटिशनर हूँ उसमें। अब उसमें उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि चोर को मारने से पहले चोर की माँ को मारिए। वो नक्सली हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते हैं, वो हमारे सैनिकों की और पुलिस की BSF के अधिकारियों की हत्या करते हैं, उनको उन हत्यारों को आप बचा रहे हैं, जिसका मतलब आप ही उनकी माँ हैं। तो ऐसे जजों को फौरन इनके खिलाफ NIA इंक्वायरी होना चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए और इनको पीट पीट करके थर्ड डिग्री इनका टॉर्चर करके इनसे पता करना चाहिए कि इन्होंने कितने सौ करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं। चलो, धारा हटाई गई है, भारतीय संस्कृति पे इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि कानून के मुताबिक जिसको संसद ने पास किया था उसमें इंटरफेयर करने का सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसकी व्याख्या कर सकती है, उस सेक्शन को हटा नहीं सकती। अब ये जो 497 धारा है IPC का, इसको हटाने से ये हो गया है कि वैश्यावृत्ति बहुत बढ़ गई है। हमारा ये जो देश है ये माता सीता की भूमि है, जिन्होंने सिर्फ एक पुरुष का वरण किया और उस पुरुष से जब अलग हुई तो आजीवन वो तपस्या करती रही, इसीलिए आज हम उनको माता कहते हैं। ये औरतें जो अपने पति के होते हुए दूसरे पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध और सेक्सुअल रिलेशन बनाती हैं, इन औरतों को छूट दे दिया गया है कि तुम खूब वेश्यावृत्ति करो, ये हरामी बच्चे पैदा करो और उन बच्चों को पालने की जिम्मेवारी तुम अपने पतियों को दो। बेचारे पति लोग उससे उस ऐसे भ्रष्ट और चरित्रहीन औरतों से पैसा भी ले रही हैं। और स्वामी जी, 497 हटने के बाद तो महिला सिक्योर रही नहीं, पुरुषों को आजादी मिली है, महिलाओं को नहीं, पुरुषों को किसी भी लेडीज के साथ कुछ भी करेगा कह देगा मन, तो वो भी तो गलत है ना, आप वैश्यावृत्ति सिर्फ महिलाओं का ही नहीं होता ना, पुरुष वैश्यावृत्ति भी तो होती है। आप अपने पत्नी को स्वर्ग, हम भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवान राम के पास से सीता माता अलग हुई तो भगवान राम ने दूसरे वो राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, वो चाहते तो हजारों बीवियां वो बना सकते थे, हजारों लड़कियों से शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी के साथ शादी नहीं की। यहाँ तक कि जो यज्ञ उन्होंने किया, अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें भी उन्होंने सीता माता का स्वर्ण मूर्ति बनवाया, उन्होंने किसी लड़की से शादी करके उनको पत्नी बना करके यज्ञ नहीं किया। तो ये हमारा जो भारत भूमि है ये चरित्रमानों का है, इसीलिए हम भगवान राम के चरित्र, चाहे पुरुष वैश्यावृत्ति हो चाहे महिला वैश्यावृत्ति हो, ये तो सरासर अन्याय तो है ही, सरासर गुनाह तो है ही। और आप ये देखिए ना, उस पुरुष वैश्यावृत्ति को 377 को निरपराध करके वो और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब वो पुरुष लोग पुरुष के साथ में होमोसेक्स करेंगे, एड्स HIV बढ़ेगी, संतान की उत्पत्ति खत्म हो जाएगी, हिंदुओं में तो वैसे भी संतान नहीं है। तो
ये सब जो CIA के एजेंट्स बनकर के उनसे सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर के जो इस देश को बर्बाद करने की साजिश किया जा रहा है जुडिशरी के माध्यम से, जबकि जुडिशरी को कोई पावर नहीं है संसद द्वारा पारित किए गए कानून को वो तो हटा सके, लेकिन ये कर रहे हैं और उसी के लिए हम पिटीशन लगाते हैं तो इनको बुरा लगता है। हमने पिटीशन आज लगा रखा है, आज हमारा कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस अब्दुल नजीर के पास में 41 आइटम नंबर लगा हुआ है, लेकिन हमको नहीं जाने दिया। हमको ये कह दिया कि जी आपसे सुप्रीम कोर्ट को खतरा है, CGI को खतरा है, जस्टिस को खतरा है, इसीलिए हम आपको नहीं, बड़े भाई।